सुंदर रहस्यमय मंदिर हो या ब्यूटीफुल वॉटरफॉल ट्रैक्स हो, खिलखिलाते एप्पल ऑर्चर्ड्स हो या फिर हिमालयन रेंजेस का ब्रेथ टेकिंग व्यूज हो, मुक्तेश्वर हैज इट ऑल। तो आइए इस प्यारे से हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। हाय गाइस, सो टुडे इज आवर थर्ड डे इन द नैनीताल ट्रिप और आज हम नैनीताल से जा रहे हैं। हम अभी चेकआउट कर रहे हैं अपने रूम से एंड वी आर गोइंग टू मुक्तेश्वर, जो कि यहाँ से करीब 60 किलोमीटर्स है एंड उसमें जो भी जगह है घूमने की वो हम देखते हुए जाएंगे। सो विल कवर ऑल द प्लेसेस एंड देन गो चेक इन टू आवर रूम देयर इन मुक्तेश्वर। वहाँ पे हमारा आज का एक दिन का नाइट स्टे है। सो यस गाइस, वी आर बिडिंग गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम विद द ब्यूटीफुल व्यू। तो यस, अभी सुबह सुबह थोड़ा ठंड लगता है, यहाँ का थोड़ा अनोखा चीज़ है, यू नो, आपको अभी सुबह इस टाइम पे थोड़ा ठंड लगेगा बट लाइक आफ्टर 9 to 9:30 टिल 5 इन द इवनिंग बहुत ज़्यादा गर्मी होता है एंड देन सडनली द टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यूरिंग द नाइट। सो यस, आप कभी भी आए यहाँ पे गर्म कपड़े ज़रूर साथ में रखें, यू विल नीड इट एनी वे। सो यस गाइस, अभी थोड़ा ठंड है एंड मुझे थोड़ा सर्दी भी हो गया है, सो आई एम हैविंग लिटिल बिट ऑफ थ्रोट पेन। Just guys, we'll just leave from here, have breakfast on our way and then go to Mukteshwar. So, कैसे जा सकते हैं मुक्तेश्वर, क्या क्या घूम सकते हैं on your way to Mukteshwar, ये सब आपको इस vlog में देखने मिलेगा। So, stay tuned and watch the video till the end for all the information of the places and everything. So, yes guys, if you haven't yet subscribed, please do subscribe to my channel and yeah, let's get started with our journey to Mukteshwar. Let's go. तो आज के लिए भी गाड़ी जो मुक्तेश्वर के लिए हमें जाना था, वी बुकड इट फ्रॉम द होटल इट्सेल्फ, बट आज के दिन गाड़ी लेट हो गया। वी वर सपोज टू गो एट 8 बट इट गॉट डिलेड बाय ऑलमोस्ट 1 आवर, तो हम ऐसे बाहर बैठे हुए थे। एनीवे उसके बाद गाड़ी आ गया। सो दे चार्ज अस ₹2500 फॉर द कैब जो हमें मुक्तेश्वर घुमाने वाले थे एंड देन ड्रॉप अस एट द रिजॉर्ट इन मुक्तेश्वर। उसमें तो करोड़ों घंटियां चढ़ी, मन्नत वाला मंदिर है ना, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। और दूसरा ये है कि न्याय वाले देवता थे, गुरु देव, यही है न्याय वाले देवता। हाँ, न्याय देवता यही है। मुक्तेश्वर का रास्ता वैसे बहुत अच्छा है, बस एक दो पैच आपको बीच में ऐसे मिलेंगे जहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब होगा, बट मैक्सिमम लाइक 70% ऑफ द रोड्स आर रियली गुड। तो गाइज, हम जो पहला पॉइंट आए हैं आज वो है घोड़ा खाल में गोलूदेव मंदिर। तो इनको न्याय वाले देवता भी बोला जाता है। आपकी कोई भी इच्छाएं हैं या आपकी कोई भी परेशानी है और वो कहीं से भी हल नहीं हो रहा, देन यू कैन कम हियर और ये जो देवता है वो आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर सुनेंगे। एंड माना जाता है कि यहाँ पर हर एक का कोई भी विश पूरा हो जाता है एंड वंस आपका विश पूरा हो जाए तो आपको यहाँ पर घंटी चढ़ानी पड़ती है। या अगर हम अंदर जाएँगे देन वी कैन सी लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ घंटियाँ यहाँ पे चढ़ाई हुई है भगवान के पास। सो एक बार आपकी विश पूरी हो जाएगी देन यू हैव टू कम हियर एंड आपको वो घंटी चढ़ानी पड़ेगी। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है मंदिर।
अभी हम मंदिर के अंदर हैं एंड मैंने दर्शन कर लिया है। बहुत पीसफुल वाइब है यहाँ का एंड जैसा मैंने दिखाया आपको वीडियो में, बहुत सारी घंटियाँ हैं भक्तों ने आके लगाया है। जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है वो आके यहाँ पे घंटियाँ लगाते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे भगवान के मंदिर है, लाइक शनि देवता, राम सीता, हनुमान जी और जो मेन जो है गोलू देव, वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सो यस, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। आप यहाँ पे आइए और अपनी इच्छाएं और जो विशेस है वो ज़रूर भगवान से जाया करिए एंड यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम हियर एंड द व्यूज फ्रॉम हियर आर आल्सो ऑसम। ये देख सकते हैं आप साइड में ही बहुत अच्छा व्यू है, उस तरफ भीमताल का व्यू पूरा आता है। सो या इट्स अ वेरी गुड प्लेस। मंदिर के बाहर बहुत से शॉप्स है पूजा के सामान के, खास करके घंटियों की। तो नैनीताल में हमने देखा सारी गाड़ियों में सामने वाले मिरर पे घंटी लगा हुआ होता है। ड्राइवर सब ने बोला कि कभी गाड़ी चलाते टाइम मोड़ों पे आंख लग गई तो घंटी बजते रहने से अलर्ट रहते हैं, तो हमने भी अपने लिए ले लिया। और फिर हमने यहाँ सामने ही ब्रेकफास्ट किया इस शानदार से व्यू के साथ। तो जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ भीमताल का व्यू आता है अलॉन्ग द वैली व्यू। हमने यहाँ समोसा चाट और मैगी खाया। समोसा चाट वॉज अमेजिंग, मैगी ठीक ही था एंड देन वी प्रोसीडेड टूवर्ड्स मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर जाने के रास्ते में आपको टी गार्डन्स मिलेंगे, बट सिंस वी वेंट इन अप्रैल तो ये सीज़न नहीं होता है, टी लीव सारे कट चुके थे। मे बी इन मानसून और अक्टूबर नवंबर आपको यहाँ प्रॉपर टी लीव्स के साथ टी गार्डन्स देखने मिलेंगे। सो वी डिडंट स्टॉप हियर एंड वी प्रोसीडेड फर्दर। मुक्तेश्वर का रास्ता आपको लगभग खाली मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नैनीताल। कैब के अलावा और भी बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ आने का, जैसे आप स्कूटी या बाइक रेंट करके आ सकते हो फ्रॉम नैनीताल, या फिर सुबह एक डायरेक्ट बस भी निकलती है मुक्तेश्वर के लिए, जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रहेगा आपके लिए। आप एक डे ट्रिप करके वापस नैनीताल भी जा सकते हैं या फिर हमारी तरह नाइट स्टे भी कर सकते हैं। मुक्तेश्वर का रूट बहुत सीनिक है, एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ वैली का व्यू आपको पूरे रास्ते मिलेगा। मुक्तेश्वर से करीब 20 किलोमीटर पहले आपको ये जगह मिलेगी जहां आप बहुत से एप्पल ऑर्चर्ड्स एक साथ देखेंगे अलॉन्ग विद बी कीपिंग। स्प्रिंग का टाइम था और ये फुल्ली ब्लूम थे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुक्तेश्वर से करीब 10 किलोमीटर पहले आपको राइट लेनी पड़ेगी, एक दूसरा रूट होगा टू रीच भालूगढ़ वाटरफॉल्स, और ये जनरली मुक्तेश्वर के साइट सीइंग में इंक्लूडेड नहीं होता है। सो इफ़ यू वांट टू गो हियर यू नीड टू स्पेसिफिकली टेल देम टू इंक्लूड दिस इन योर आइटनरी। एंड द एंट्री चार्ज फॉर भालूगढ़ वाटरफॉल इज़ ₹50 पर पर्सन, और यहाँ से आपको 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा टू रीच एट द वाटरफॉल्स। सो
गाइज वी हैव स्टार्टेड आर ट्रैक डाउन टू द भालूगढ़ वाटरफॉल. तो आते टाइम ये पूरा नीचे तक आपको जाना पड़ेगा. सो येस वी आर ऑन इट. ये लगभग 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता है. सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. जिप लाइन भी है बीच में, तो वो आपको आधा रास्ता कम्प्लीट करवा देगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई दैट. 400 रुपये लेते हैं पर पर्सन. सो येस नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सी द वाटरफॉल. तो आपको ट्रैक के बीच में बहुत सारे फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे एंड देर आर लॉट ऑफ चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम्स ऑल्सो इन बिटवीन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. यहाँ पे कैंप्स भी मिल जाएंगे आपको रहने के लिए. सो इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स टू बी इन द लैप ऑफ नेचर एंड एक्सपीरियंस क्लियर स्काइज इन द नाइट, देन यू कैन डेफिनेटली डू कैंपिंग हियर. भालूगढ़ वाटरफॉल्स. तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं वाटरफॉल और ये आप देख सकते हैं भीड़. हमें रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं मिले बट जब हम यहाँ पे आके पहुँचे स्पेशली एट दिस पॉइंट यू कैन सी द क्राउड. तो ये एक अच्छा स्पॉट है बट बहुत ज़्यादा भीड़ है. एंड अगर आपको नहाना वहाना है या पानी के अंदर जाना है यू कैन गो. और यहाँ पे 100 रुपये में आपको लाइफ जैकेट भी मिल जाएगा, सो दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ अगर आपको स्विमिंग वगैरह नहीं आती. ज़्यादा डीप में जाइएगा पूरा पानी के पास इफ यू डोंट नो स्विमिंग. ये पास में ही आप यू कैन एंजॉय दिस प्लेस. दिस इज हाउ द प्लेस इज. काफ़ी ट्रैक करके आना पड़ा. अभी तो लाइक जब हम आ रहे थे तब मैक्सिमम नीचे उतरना था, अभी ज़्यादा चढ़ाई होगा. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. वैसे दुकानें सब है रास्ते में फॉर टू रिलैक्स एंड चिल एंड हैव समथिंग लाइक मैगी कॉफ़ी दाल चावल राजमा चावल मोमो एंड ऑल. तो वो भी आप ले सकते हैं. सो या लेट्स सी हाउ द ट्रैक बैकवर्ड्स आई मीन वापसी का ट्रैक कैसा होता है वो देखते हैं. आपको रास्ते पर ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी जैसे मैंने पहले बोला था जिप लाइनिंग देन ये साइकिलिंग. सो ये सब में भी यू कैन इंडल्ज. वापस आते टाइम वी स्टॉप्ड हियर फॉर लंच और यहाँ हमने खाया वेज रागी मोमो और ब्रेड ऑमलेट. उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन में रागी एक स्टेपल है
hence we'll get a lot of ragi dishes here. After this, finally रुकते रुकाते खाते पीते we got back and आपको ये पूरा trek complete करने में almost 2.5 to 3 hours लगेंगे. यहाँ मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भी आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ मिलेंगी जिसको चढ़ के आपको मंदिर के पास जाना होगा. सो हियर ऑल्सो इट्स अ ट्रैक. और ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद से ही लाइन शुरू हो गई थी. जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी एंड वी ऑलमोस्ट हैड टू स्टैंड फॉर 40 to 45 minutes दर्शन के लिए. तो या दैट्स हाउ इट वॉज. मुक्तेश्वर महादेव मंदिर 7,500 feet की ऊंचाई पर है, विच इज़ मोर देन नैनीताल एंड इवन मनाली. तो ठंड यहाँ काफ़ी रहती है. इवन इस टाइम पे भी काफ़ी हवा चल रही थी और इट वॉज वेरी कोल्ड एंड चिली. दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था अंदर मंदिर में. मंदिर छोटा सा है तो एट ए टाइम एक जन ही अंदर जा सकते हैं. सो इट वॉन्ट टेक लॉट ऑफ टाइम. बट लाइन काफ़ी ज़्यादा थी सिंस एक एक जन करके दर्शन कर रहे थे. सो इट वॉज टेकिंग टाइम. एनी वे द व्यू फ्रॉम द टेम्पल इज़ ब्रेथ टेकिंग. यहाँ से आपको हिमालयन रेंजेस दिखेंगी एंड यहाँ से और एक ट्रैक भी होती है जो कि चौली की जाली, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं. हमें यहीं से दिख गई. गाइस अभी हम मुक्तेश्वर टेंपल में हैं और लाइन बहुत लंबी थी और जो चौली की जाली है, जो व्यू पॉइंट है, वो यहीं से दिख रही है. हम और वहाँ जा नहीं रहे बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ ही रहा है. हम करीब 30-40 मिनट में लाइन में खड़े रहे एंड देन हमें दर्शन करने का मौका मिला. एंड इट्स वेरी कोल्ड अप हियर. बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा. दीज आर द माउंटेन रेंजेस दैट आर विजिबल फ्रॉम हियर एज यू कैन सी. यस गाइस, दिस इज मुक्तेश्वर धाम. चौली की जाली जाने के लिए मंदिर के साइड से एक ट्रेल जाता है, सो यू कैन गो देयर एज वेल. मुक्तेश्वर धाम मंदिर से थोड़ा आगे ही आपको KMVN के सारे बंगलोज दिखेंगे, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं बट काफ़ी एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है एंड दे आर बजट फ्रेंडली विद ग्रेट व्यूज. उस दिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी को 1.5 किलोमीटर दूर पार्क करना पड़ा. सो वी वॉकड अप टिल देयर एंड प्रोसीडेड टू आर रिजॉर्ट. सो दैट वॉज द वीडियो गाइज. ये थी मुक्तेश्वर के सारे प्लेसेस टू विजिट और नेक्स्ट व्लॉग में आई विल टेक यू टू द रिजॉर्ट आई स्टेड इन विद ऑल द इंफॉर्मेशन एंड आवर जर्नी बैक टू नैनीताल एंड फाइनली दिल्ली. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी या.